वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो में हम लोग कैटकॉन का मणिपुरो नाम का एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कैटकॉन में अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मणिपुरो नाम का ये जो स्क्रिप्ट है, इसका जो सेल है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 300 प्लस सेल हो चुका है। और इसका जो रेगुलर लाइसेंस है वो आप लोग देख सकते हो $39 है। लाइव प्रीव्यू है वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में क्लिक करना है तो आपका सामने इसका जो लाइव डेमो है वो आपका सामने आ जाएगा। आप लोग ये जो लाइव डेमो है ये चेक करके आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी इसको परचेस किए हो तो आप लोगों को डेमो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही इस वीडियो को देख सकते हो और यहाँ पर हम लोग किस तरह से इसको इंस्टॉल किए हैं वो स्टेप बाई स्टेप सीख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर डेमो में जाते हैं, यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन है तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं हमारा डेमो अकाउंट में और हमारे सामने इसका जो डेमो लुक है वो आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आ गया है। ओके, यहाँ पर ओके में क्लिक करते हैं नेबर में। ओके, यहाँ पर डेमो है हमारा अकाउंट का और इस तरह का डैशबोर्ड है। यहाँ पर इनकम, अपकमिंग इनकम, ट्रैक बजट, सेट गोल, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग डेमो वगैरह का देख लीजिएगा, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा इस स्किप तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, परचेस करने के बाद इसका जो डाउनलोड भाषण है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को ये जो जिप फाइल है, इस तरह का जिप फाइल मिलेगा, ये जो जिप फाइल है इसको आपको करना है अनजिप। तो चलिए हम लोग इसको अनजिप करते हैं। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं। ओके, राइट बटन क्लिक करने के बाद हम लोग इसको अनजिप करेंगे। यहाँ पर स्टक फाइल में क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पर ओके में क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप होना स्टार्ट हो जाएगा। अनजिप होने के बाद इसको हम लोग हमारे जो सर्वर है उसमें अपलोड करेंगे और इसको जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस होगा वो आपको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं इसको अनजिप होने तक। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फाइल यहाँ पर अनजिप हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको DB नाम का जो फाइल है इसके अंदर अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर SQL डाटाबेस के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो हम लोग गो बैक में जाते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट फोल्डर में इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है वही दिखाई देगा। हम लोग इसको अगर यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपको दिखाई देगा इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसका प्रोसेस। वो प्रोसेस आप लोगों को देखकर फ्लो कीजिए और यहाँ पर आपका जो साइट है उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकेंगे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या, यहाँ पर PHP भाषण लगे और सब कुछ यहाँ पर है। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन में अगर जाते हो तो यहाँ पर वीडियो दिया हुआ है किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है वो यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, फोल्डर परमिशन वगैरह यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको देना है, डाटाबेस क्रिएट करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, ये रहा यूजर नेम और पासवर्ड। तो चलिए इसको हम लोग इंस्टॉल करके आपको लाइव दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जाते हैं CPN के अंदर और यहाँ पर जो फाइल को हम लोग अपलोड करेंगे उसको हम लोग जिप फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, ये जो फाइल है इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल होगा ये सारा फाइल को हम लोग जिप फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, जिप फॉर्मेट में करने के लिए ये इस तरह का जिप फाइल होगा। तो मैं ऑलरेडी इसको किया हूँ, इसको मैं अपलोड करूंगा मेरा सर्वर के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सर्वर के अंदर अपलोड करते हैं। यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर आके यहाँ पर आपको जाना है पब्लिक HTML में और यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अपलोड बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो फाइल है उसको हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाते हैं इस फाइल को, जिप फाइल को यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। अपलोड होने के बाद हम लोग इसको अनजिप करेंगे और इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होगा वो आपको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा 100% अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गो बैक नाम का बटन दिखाई देगा, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे हमारा साइट के अंदर, पब्लिक HTML के अंदर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अनजिप करेंगे। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे, स्टैक में क्लिक करेंगे। ओके, स्टैक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टैक फाइल के अंदर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा सारा फाइल यहाँ पर अनजिप हो चुका है, इसको क्लोज करना है।
और ये जो फोल्डर है इसके अंदर आपको जाना है, यहाँ पर जितने भी फाइल है उसको ऑल सिलेक्ट करना है, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करना है, मूव में क्लिक करना है और ये जो फाइल है इसको हम लोग मूव कर देते हैं हमारा पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सारा फाइल हमारा पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आ चुका है, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो। अभी आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर शो हिडन फाइल नाम का जो आइकॉन है यहाँ पर टिक मार्क देकर यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो कोड नाम का फोल्डर दिखाई देगा इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो .env फाइल है, .env फाइल इसको एडिट करना है। यहाँ पर एडिट मोड में हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडिट मोड में क्लिक करते हैं। एडिट मोड में क्लिक करने के बाद हम लोग इसको एडिट करेंगे यहाँ पर। ओके, हमारा ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा एप्स का नेम है, तो ये जो नेम है इसमें आपका जो साइट का नेम है वो डाल सकते हो और यहाँ पर आपका परसेस की यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एप्स का यूआरएल। ठीक है, तो आपका जो साइट है उसका यूआरएल यहाँ पर डालना है, तो मेरा जो साइट है इसका यूआरएल मैं यहाँ पर डालूंगा, इसको कॉपी करते हैं हमारे साइट का यूआरएल को और यहाँ पर हम लोग हमारे साइट के यूआरएल को डाल देते हैं। उसके बाद डाटाबेस कनेक्शन MySQL और यहाँ पर डाटाबेस होस्ट में आपको डालना है लोकल होस्ट और यहाँ पर पोर्ट में यही पोर्ट रहेगा। उसके बाद डाटाबेस क्रिएट करना होगा और यहाँ पर डाटाबेस यूजर और डाटाबेस पासवर्ड देकर सेव करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग डाटाबेस को क्रिएट करते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे हमारे सी पैनल के अंदर, मेन सी पैनल के अंदर। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर देखेंगे डाटाबेस नाम का ऑप्शन, हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो डाटाबेस नाम का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको जाना है MySQL डाटाबेस। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है और उसके बाद डाटाबेस का जो यूजर है वो भी क्रिएट करना है और डाटाबेस और यूजर को दोनों को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट न्यू डाटाबेस, यहाँ पर हम लोग डाटाबेस का नाम देंगे। हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग यहाँ पर यूनिक वेब स्कूल यही नाम दे देते हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम देते हैं, आप लोग कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये हमारा डाटाबेस का नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट डाटाबेस में और यहाँ पर हमारा जो डाटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो हम लोग गो बैक में जाएंगे और यहाँ पर डाटाबेस के लिए डाटाबेस यूजर क्रिएट करेंगे, इसलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडिट न्यू यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर नेम है, आप लोग कुछ भी यहाँ पर यूजर नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ, यही नाम USER यूजर दे देता हूँ, ये हमारा यूजर नेम है और इसके लिए हम लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर अगेन पासवर्ड दोबारा से आपको टाइप करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पासवर्ड को जेनरेट करेंगे, इसलिए यहाँ पर पासवर्ड जेनरेटर में क्लिक करते हैं और ये जो पासवर्ड हम लोग को जेनरेट करके दिया है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। ठीक है, हमारा पासवर्ड को यहाँ पर सेव करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर आई हैव कॉपी में क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज पासवर्ड में क्लिक करना है तो आपका पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट यूजर में क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएट यूजर यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका जो यूजर है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूजर, तो ये जो यूजर है और हमारा जो डाटाबेस हम लोग क्रिएट किया है उसको कनेक्ट करना है, तो इसलिए हम लोग गो बैक में जाएंगे और यूजर और डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर एडिट यूजर टू डाटाबेस यहाँ पर आपको देखेगा, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, इसलिए हम लोग हमारा जो यूजर है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस को सिलेक्ट कर देते हैं, ये हमारा डाटाबेस है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एडिट में क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर एडिट में क्लिक कर देता हूँ। एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल में टिक मार्क देना है और यहाँ पर मैक्स चेंज में अगर आप लोग क्लिक कर देते हो तो ये आपका डाटाबेस और डाटाबेस यूजर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो यूजर और डाटाबेस है इसको कॉपी करना है, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर ले हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे हमारा नोटपैड के अंदर। ठीक है, डाटाबेस क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम लोग डाटाबेस होस्ट में यहाँ पर लोकल होस्ट डाल देते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट।
उसके बाद डाटाबेस पोर्ट, और यहाँ पर डाटाबेस नेम में हम लोग हमारा जो डाटाबेस नेम है उसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग डाटाबेस नेम में यहाँ पर देते हैं, और डाटाबेस यूज़र नेम हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं डाटाबेस यूज़र नेम को, ओके यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाटाबेस यूज़र नेम डालते हैं, और डाटाबेस पासवर्ड के अंदर यही पासवर्ड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव चेंज में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये डाटाबेस है यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, डाटाबेस को इम्पोर्ट करना है। ठीक है, तो इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसके अंदर डाटाबेस SQL फाइल है DB, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ये जो SQL फाइल है इसको इम्पोर्ट करना है आपके डाटाबेस के अंदर। तो चलिए हम लोग हमारा जो मेन CPanel है इसमें आते हैं और यहाँ पर phpMyAdmin यहाँ पर जाना है। ठीक है, phpMyAdmin में आने के बाद यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट कर देंगे, यहाँ पर हमारा जो डाटाबेस है उसको ओपन करना है। ये रहा हमारा डाटाबेस, इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग ये जो फाइल है इसके अंदर इसको हम लोग ओपन में क्लिक करके यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पर गो में क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली इम्पोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइल, इसके अंदर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये सारा फाइल हम लोग इम्पोर्ट किए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो डोमेन है इसको ओपन करना है, मेरा जो डोमेन है इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, ये रहा हमारा डोमेन, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल में मिलेगा आपको, इस ईमेल को आपको डालना है, कॉपी करके यहाँ पर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड को डालना है, बाद में लॉगिन करने के बाद आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, लॉगिन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आपको ये जो लोगो है इसको चेंज करना है, यहाँ पर सेटिंग वगैरह करना है और यहाँ पर अगर आप लोग लॉगिन प्रोफाइल सेटिंग में जाते हो तो आपका जो ईमेल और पासवर्ड है उसको चेंज करना है। यहाँ पर आपको ईमेल देना है और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल के सेव प्रोफाइल में क्लिक करना है ताकि आपका जो ईमेल और पासवर्ड वो चेंज हो सके। यहाँ पर आपका नाम भी दे सकते हो, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग आइकॉन में जाना है, यहाँ पर एप्लीकेशन सेटिंग करना है और ये सारा चीज़ें आपको मैनेज करना है, लोगो वगैरह चेंज करना है। तो ये सारा चीज़ें कैसे आप लोग करोगे वो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।